वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग करेंगे कहानी लेखन। कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। बच्चों से लोकोक्ति पर आधारित जब कहानी पूछी जाती है तो बच्चे घबरा जाते हैं और वे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। 15 मार्क्स का होता है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है। आपको इसको लिखते समय किसी प्रकार की घबराहट ना हो, इस समस्या का समाधान मैंने किया है। मैंने आपके लिए लोकोक्ति पर आधारित कहानियों का भी वीडियो बनाया है। पहले मैंने लोकोक्ति का अर्थ समझाया है, फिर कहानी कही है, तो आप इसे जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप उतना ही अच्छे से कर पाएंगे। पहले मेरी कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए, फिर आप इसे अपने आप लिखने का प्रयास कीजिए। इससे आपका कहानी लेखन सुधरेगा और आप अधिकतम अंक उठा पाएंगे। धन्यवाद। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इस उक्ति को आधार बनाकर कोई मौलिक कहानी लिखिए। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटती है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है, हमारी भलाई के लिए ही करता है। हमें समझने में देर भले ही हो जाए, लेकिन ईश्वर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करता। कहानी इस प्रकार है। धर्मगढ़ राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी व साहसी युवा शासक था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। जब भी उसे राजधर्म से थोड़ा अवकाश मिलता तो वह अपने दल बल के साथ दूर जंगल में शिकार खेलने चला जाता था। एक दिन वह शिकार पर निकलने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मेरा मन कहता है कि कोई अशुभ घटना हो घटने वाली है। मेरी प्रार्थना है कि आज आप आखेट पर जाना स्थगित कर दें, कल चले जाना। राजा ने हंस के कहा, मेरी भोली रानी, अपशगुन मेरे क्या कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। इतना कह के राजा सदा की तरह अपने महामंत्री को निर्देश देकर शिकार के लिए जंगल की ओर चले गए। उस दिन राजा एक चीते का पीछा करते करते एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। उस वट वृक्ष पर एक पागल बंदर रहता था। उसने राजा की अंगुलियों में चमकती अंगूठियों को देखा तो वह उसके हाथ पर झपट पड़ा। राजा ने हाथ छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सबसे छोटी अंगुली बंदर अपने दांतों से काट कर ले गया। राजा अपने शिविर में लौटा तो उसे लहूलुहान देखकर सभी चिंतित भाव से उसकी ओर लपके। राज्य वैद्य को जगाया गया। उसने परीक्षण के बाद में कहा, कनिष्का तो चली गई, परंतु ईश्वर की कृपा से शेष हाथ सही सलामत है। इतना कहकर उसने हाथ पर लेप लगाकर पट्टी बांध दी। शिकार से तुरंत राजधानी धर्मगढ़ लौटने का आदेश हो गया। सदा की तरह महामंत्री ने राजा का स्वागत किया और जैसे ही पुष्पमाला राजा के गले में डाली तो राजा के हाथ पर बंधी पट्टी देखकर पूछा, हाथ पे क्या हो गया महाराज? एक बंदर अंगुली काट कर ले गया मंत्री जी। चलो, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, महामंत्री ने कहा, तो राजा के क्रोध का ठिकाना ना रहा। छूटते ही कहा, अरे दुष्ट, कैसी मूर्खता की बात करता है, मैं अंगहीन हो गया हूँ और तू कहता है ईश्वर जो करता है सब अच्छा ही करता है। जी महाराज, मैं फिर से यही बात कहूँगा कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। राजा ने उसे उसी समय राज्य से दूर जाने का आदेश दे दिया। महामंत्री ने उसी समय राज्य त्याग दिया। कुछ मास बाद राजा को शिकार खेलने की इच्छा पुनः जगी। सदा की तरह नए महामंत्री को निर्देश देकर राजा जंगल की ओर चला। कई दिन तक शिकार चलता रहा। एक दिन एक शेर का पीछा करते करते राजा दूर निकल गए और अपने अंगरक्षकों से बिछड़ गए और उन्हें एक गुफा दिखाई दी। राजा ने सोचा, शेर इसी में छिपा होगा। वह उसी गुफा में प्रवेश करने ही जा रहा था कि एक फंदा उसके गले में आ पड़ा। वह कुछ समझता उससे पहले ही कई डाकू उसके समक्ष खड़े थे। वे बलि के लिए राजा को बांधकर देवी के मंदिर तक ले गए। पुजारी ने मंत्रों के बाद जैसे ही राजा को तिलक लगाया तो उसका ध्यान उसकी कटी हुई अंगुली पे पड़ा। वह तुरंत बोला,
घोर अनर्थ, यह तो अंगहीन है। अंगहीन की बलि देवी स्वीकार नहीं करती। राजा को छोड़ दिया गया। राजधानी लौटकर उसने आदेश दिया कि उसके पूर्व महामंत्री को तुरंत ढूंढ कर लाया जाए। महामंत्री को खोज कर लाया गया तो राजा ने उसका भरपूर सम्मान किया। उसे 100,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, महामंत्री जी, आप ठीक कहते हैं, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है।